Hey guys, welcome back to my kitchen and my channel also. So, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि कोई रेसिपी नहीं डाल रहे हो डालो. तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दम आलू की रेसिपी, जो मैं अभी फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ. आई डोंट नो कैसा रिजल्ट आएगा, बट वी विल ट्राई हार्ड. तो कैसे कैसे बनाना है या मैं क्या क्या स्टेप्स करती हूँ, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में. तो चैनल पर पहली बार आए हो, पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर वीडियो देखना आगे. जल्दी जल्दी करो. कर लिया, ठीक है. तो अब कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो. तो अभी हम करने वाले हैं ट्रांजिशन हमारे प्याज काटने का. तो स्ट्रगल तो रियली होती है, बस थोड़ी बहुत हम ट्रांजिशन कर देते हैं. तो इसके लिए आपको चाहिए प्याज, और साथ में आपको चाहिए टमाटर, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा रफली चॉप किए हैं दोनों, बिकॉज़ हम इनको ग्राइंड करने वाले हैं बाद में, तो इसलिए मैंने रफली चॉप किए थे. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ ऑयल. ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, बिकॉज़ हमें जो हमारे आलू हैं उनको फ्राई करना है पहले. तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने पील कर लिया है. तो गाइस, एक्चुअली मेरे आलू थोड़े ज़्यादा उबल चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जस्ट एक ही सीटी लगवाएं अपने प्रेशर कुकर में आलू डाल के, या फिर ना भी लगवाएं, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो कट करके और फ्राई करके. तो बट मेरे को ये वाला मेथड जो है, मतलब पहले एक सीटी लगवाने वाला ज़्यादा बेटर लगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया था. तो उसके बाद यहाँ पे मैंने, देख सकते हो आपकी फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट मेरे को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने इनको कम फ्राई किया है. मुझे इनको और ज़्यादा करना चाहिए था, बिल्कुल लाइक गोल्डन तो हो चुके हैं, बट इससे भी ज़्यादा मुझे करना चाहिए था. तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता. तो अगर आप बनाओगे तो आप उसको कुछ थोड़ी देर, जैसे मेरा दिख रहा है ना आलू, उससे ज़्यादा आप कर लेना इसको, मतलब फ्राई इतना इतने पे ही मत निकाल लेना. तो अभी मैं कढ़ाई से तेल निकालने वाली हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा है. और अब हम मसाले रेडी करेंगे, तो सेम कढ़ाई यूज़ करने वाले हैं. तो मैंने इतना सा ऑयल छोड़ा, और अब मैंने रफली चॉप किए हुए अनियंस डाल दिए हैं, और इनको थोड़ी देर मैं चलाऊंगी, वेट करूंगी जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज होता तब तक. तो तब तक आप इसको चला लो, हाई फ्लेम पे ही पकाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके साथ मैंने डाल दिए हैं टमाटर. तो टमाटर दो ही लेना, क्योंकि हम दही भी डालने वाले हैं, तो फिर ज़्यादा मतलब खटास हो जाती है. तो टमाटर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दही नहीं है तो आप सिर्फ टमाटर भी डाल सकते हो, बट ज़्यादा चाहिए. लेकिन दम आलू में तो भाई जाता ही है दही. तो अब मैं इनको एक ग्राइंडर में निकाल रही हूँ, हमारे प्याज जी और टमाटर जी को, और इनको भी हम जल्दी जल्दी ग्राइंड करके ले आते हैं. तो ये भी ग्राइंड हो चुके हैं. अब मैं डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले, तो जिनमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है दालचीनी, और उसके बाद मैंने डाली है दो मोटी इलायची, और इसके बाद मैंने डाले हैं ये कुछ काले मिर्च, जो मुझे तो पसंद नहीं है, बट इनसे फ्लेवर अच्छा आता है. और इसके बाद मैंने डाल दिया है ज़ीरा. अगर आपके पास तेज पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सब कुछ स्किप भी कर सकते हो, इतना मैंडेटरी नहीं है. और इसके बाद हमने डाल दिया हमारा पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसको हम पका लेंगे. थोड़ा सा इस टाइम पे आपको फ्लेम कम कर देना है आपकी गैस का, बिकॉज़ हम मसाले डालने वाले हैं हमारे, तो इसलिए आप, सबसे पहले मैंने मिर्ची डाली है, और फिर मैंने हल्दी डाली है. ये सब आप अपने हिसाब से डालो, जितना आप क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उतनी क्वान्टिटी के साथ साथ. और अभी मैंने डाला है यहाँ पर हमारे होम मेड मसाला, जो कि मिक्स मसाला बोल सकते हो. और उसके बाद थोड़ा सा पिंच, लाइक टू पिंच ऑफ मैंने टिक्की मसाला डाला है, थोड़ा कलर ऐड करने के लिए. तो इससे काफ़ी, मतलब ज़्यादा भी रेड रेड नहीं हो जाता, और बिल्कुल कम भी, मतलब फीका फीका नहीं लगता, तो काफ़ी अच्छा कलर आता है. नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें. और उसके बाद अभी मैंने इसको चला लिया अच्छे से, और अब आप क्या कर सकते हो कि आपकी फ्लेम को हाई कर सकते हो इस टाइम पे, और अच्छे से आपको मसाले भून लेने हैं. अभी मेरे मसालों का ऑयल अलग हो चुका है, तो अब दही डालने का टाइम था, तो मैंने दही डाल लिया है. जब आपका मसाले में से ऑयल अलग दिखने लग जाए, तो इट मींस कि आपका जो मसाला है वो भुन चुका है अच्छे से. तो अब हम दही को अच्छे से पकाने वाले हैं.
तो फिर से देख सकते हो आप कि ऑयल अलग हो चुका है, तो इट मींस कि हमारा जो दही है वो पक चुका है। और इस टाइम पे हम डाल देंगे हमारे आलू। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा यमी बनी थी ना, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी बनी ये। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतने में ही छोड़ सकते हो इसको, अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो, अगर आपको थिक मसाला पसंद है, और अगर आपको चावल के साथ खाना है तो फिर आप पानी डाल सकते हो। मेरे घर वालों की डिमांड थी कि चावल खाने हैं तो इसलिए मैंने पानी डाला। तो पानी डाल के अभी हम इसको अच्छे से पानी डाल रहे हैं, मतलब जितना रिक्वायर्ड हो उतना पानी डालो, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा घना भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम पकाएंगे तो आलू भी सोक इन करेंगे अभी पानी अपने अंदर। तो अब इसको हम 15 से 20 मिनट चलाने वाले हैं लो फ्लेम पे। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो ये रहा। तो गाइस, वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी डिमांड्स पे ही कुकिंग की वीडियो लाई है मैंने, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना।